प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोलन जिला के नालागढ़ में जिले के पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिलासपुर रैली को लेकर दून व नालागढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लेना बताया गया। 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक आभार रैली बिलासपुर में होने जा रही है। प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश को एम्स देने के लिए आ रहे। हिमाचल की जनता की इच्छा थी, मांग थी कि यहाँ एम्स बनना चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दी थी और अब शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। निश्चित रूप से हिमाचल की जनता के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा और उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह हर हिमाचलवासी बनना चाहता है। और आभार रैली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित की गई है प्रधानमंत्री जी को हिमाचल की जनता की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए। उसी की तैयारी के सिलसिले में आज नालागढ़ आया हूँ कि नालागढ़ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो तैयारी की है उसकी थोड़ी चर्चा करूंगा और जो माहौल है, उत्साह है, उसकी भी जानकारी प्राप्त करूंगा। सर, हिमाचल में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये जानकारी? ये काम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का है, वो अपने समय पे इस काम को कर लेगा। सर, अगर हम दून विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर कई ऐसे नेता जो पार्टी द्वारा निष्कासित भी है वो काफ़ी प्रचार कर रहे हैं पार्टी का, वो कहते टिकट की दावेदारी लेकर है और संगठन एक तरफ है और पार्टी नेता इससे बहुत साफ है कि पार्टी के प्रत्याशी कौन होंगे या पार्टी की चुनाव समिति तय करती है। और यदि कोई सड़क या चौक चौराहे पर चर्चा करता है तो वह पार्टी का निर्णय नहीं होता है। अब कौन चर्चा कर रहा मैं नहीं जानता, लेकिन पार्टी का प्रत्याशी वही होता है जिसे चुनाव समिति स्वीकार करती है और जिसके नाम की घोषणा करती है।